स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फ्यूचर ऑफ इंडिया पर। इसमें बात करेंगे आज हम विशेष इन्फो टेक्निक से, जिसका एक और नाम है एनपीएस इन्फोटेक। इस कंपनी के बारे में इसमें भी देखेंगे तो ईएसएम वाली जो लेवल है इस स्टॉक में भी लग गई है। मतलब ये कि इस स्टॉक में भी गिरावट का दौर शुरू हो गया है, तकरीबन 2% की गिरावट एक दिनों में। हालांकि आज तो मार्केट बंद है, कल जब मार्केट ओपन था तो कल की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसमें गिरावट देखने को मिली और इसमें भी लोअर सर्किट लग गया है। लोअर सर्किट का आप मतलब समझते होंगे, जब कोई स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाता है तो उसको बेच नहीं पाते हैं, बेचने में दिक्कत आता है। तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो ईएसएम स्टेज की श्रेणी में जब सेबी ने इसको डाला है तो इससे बाहर आने के लिए वेट करना होगा, यदि आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं और आप इसको बेचना चाहते हैं तो। और दूसरी चीज में आप क्या कर सकते हैं, दूसरी तीसरी और जितने भी उपाय हैं विशेष इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड में अपने पैसों को बचाने का, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होते रहते हैं, लोअर सर्किट अपर सर्किट लगते रहते हैं, इससे आपको नहीं घबराना। आपका मेन विजन होना चाहिए कि आपने क्या सोच के इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। यदि आपने कंपनी के काम को समझा, कंपनी क्या काम करती है, काम के बेसिस पर आपने ये समझा होगा कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का ग्रोथ रहेगा कि नहीं, साथ में कंपनी का आपने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी किया होगा, तो इन सारी चीजों को यदि देख के समझ के आपने इसमें पैसा लगाया है तो बिल्कुल आपका पैसा सेफ है। मैं आगे इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा भी, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं, पहले ही आपको यकीन दिलाता हूँ। अभी आप देखेंगे तो एनएससी पे जो इस कंपनी का प्राइस चल रहा है तकरीबन 50 पैसा के आसपास चल रहा है, और सबसे कमाल की बात यह है कि थोड़ा सा ये यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक में जो अपर सर्किट का लिमिट रखा गया है वो 50 पैसा के करीब ही रखा गया, यानी कि हो सकता है कि मंडे के दिन जब मार्केट ओपन हो तो इस स्टॉक में अपर सर्किट आपको लगते हुए दिखे, क्योंकि अपने अपर सर्किट के पास ही इस कंपनी का शेयर प्राइस चला है। लोअर सर्किट तो और अब नीचे चला गया, अब 40 पैसा पे जाएगा तब लोअर सर्किट लगेगा, और अभी स्टॉक का प्राइस 50 पैसे पर क्लोजिंग दिया है, प्रीवियस क्लोजिंग इसका जो है 45 पैसा पर हुआ है। तो यदि मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप ओपन होता है, इस स्टॉक में बात कर रहा हूँ, तो इसमें इजिली आपको अपर सर्किट लग जाएगा। और जो लोग मान लीजिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से पैसा लगाए थे, बहुत से लोग निकलना भी चाह रहे होंगे इससे, तो आप जब इसमें अपर सर्किट लगेगा तो इस कंपनी के शेयर्स को चाहे तो सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, यदि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें पैसा लगाए हैं, कंपनी के काम फंडामेंटल सारी चीज़ों को समझ के पैसा लगाए हैं, तो स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। आप इसमें समय देंगे तो अच्छा रिटर्न आपको इस स्टॉक को मिलने के चांसेस रहेंगे। एमपीएस इन्फोटेक यानी कि विशेष इन्फोटेक्निक से पेनी स्टॉक होने के बाद भी जबरदस्त सेट होगी, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो आप इसमें अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम अच्छा खासा होता है इसमें। एक एक दिनों में तकरीबन 66 लाख के आसपास आपको वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा, जबकि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है, प्राइस नीचे आ रहा है फिर भी। और वहीं पिछले कुछ दिनों की बात करें तो आपको करोड़ों में इसका वॉल्यूम देखने को मिलता है, तकरीबन 80 लाख 90 लाख करोड़ का वॉल्यूम एक छोटे से स्टॉक में देखने को मिलता है। ये कोई साधारण बात नहीं, ये पेनी स्टॉक है, लेकिन जैसे मैंने बताया कंपनी जो काम करती है, जो फंडामेंटल, ये सारी चीज़ें इसमें बढ़िया है, इसलिए इसमें ट्रेडिंग होती है और लंबी अवधि में भी इसमें और भी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ने के चांसेस रहेंगे। और जब जानते हैं जब किसी स्टॉक में वॉल्यूम आता है 22 से ज़्यादा होता है तो उसमें ग्रो होने के उसके चांसेस रहते हैं। जो लोग विशेष इन्फोटेक्स लिमिटेड के काम धाम और इसके फंडामेंटल से अवगत नहीं है, उनको मैं अवगत कराना चाहूँगा। ये जो कंपनी है, सबसे पहले आपको मैं इसके काम के बारे में बताऊँ, तो ये एक आईटी से संबंधित कामकाज करने वाली कंपनी है। आईटी से संबंधित प्रोडक्ट्स बनाती है, सॉफ्टवेयर में डील करती है, और उसको जो बड़े बड़े आईटी रिलेटेड कंपनी है उनको प्रोवाइड करती है। साथ में थोड़ा सा और टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में भी बिजनेस कामकाज करते हुए दिख जाएगी। देखिए, कोई भी कंपनी सिर्फ एक तो उसका मेन बिजनेस होता है जिससे उसके मेजर रेवेन्यू आता है, दूसरा साइड इनकम भी होता है, तो साइड इनकम के लिए कंपनी कर सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में भी थोड़े बहुत तो अपनी सेवाएं को देती है। एक कंपनी बहुत सारे काम करती है, कंपनी है कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है काम धंधे उसके बड़े ही होंगे। तो ये जो काम है, सबसे पहले जो हम आईटी वाले काम को ही समझे, तो आईटी का आप जानते हैं कि भविष्य कितना उज्ज्वल है, और आईटी के सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनी है उसमें कभी आपको डिप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, उसमें लंबी अवधि में शेयर प्राइस में आप तेजी ही देखने को मिलेगी। तो इसलिए यदि आईटी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, खासकर छोटी कंपनी में, तो उसमें समय दीजिए, आपका पैसा बनेगा। दूसरी बात, फंडामेंटल जब आप देखेंगे तो तकरीबन 189 करोड़, मान लीजिए 190 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। पेनी स्टॉक में यदि 100 करोड़ 150 करोड़ से ऊपर की कंपनी है ना, तो थोड़ा बहुत उसको ठीक माना जाता है पेनी स्टॉक में भी। तो ये तो तकरीबन 200 करोड़ के आसपास कंपनी, 200 करोड़ के वैल्यूएशन की कंपनी है, तो ये ठीक है। स्टॉक का पी सामान्यतः यहाँ पे नहीं दिखता है स्क्रीन की वेबसाइट पर जो पी होता है, लेकिन हम लोग चार्ट पर लेवल देख के इसमें बाई सेल का अंदाजा लगाएंगे। करेंट प्राइस देखेंगे तो 50 पैसा है, जो कि इसके शेयर प्राइस से कम है। ये थोड़ी सी निगेटिव बात है, शेयर प्राइस जो होता है शेयर प्राइस वो बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे कम है। लेकिन जब शेयर प्राइस बढ़ेगा, चूंकि अभी तो प्राइस नीचे आ रहा है, तो लेकिन जब बढ़ेगा तो उसके बाद शेयर प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगा। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे और आरओसी देखेंगे तो ये भी माइनस में है, हालांकि ये प्लस में हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, कंपनी के जब शेयर प्राइस बढ़ेंगे और शेयर प्राइस के बढ़ने के साथ साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी जो है यह भी आपको पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर देने के लिए तैयार बैठेगी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसका जो एक साल का चार्ट देखते हैं, इसमें क्या होगा, ये देखेंगे कि ये जो इसके लिए लेवल है 50 पैसा का, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों लेवल है। अब 50 पैसा से 45 पैसा ये एक रेंज है, इसमें कह सकते हैं कि पहले भी इसमें समय बिताया, इसे स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है,
और अभी भी फिर उसी रेंज में आके कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब आपको वेट करना है कि इस कंसोलिडेशन से स्टॉक का प्राइस बाहर निकले। आप देखेंगे तो 45 पैसा से फिर से प्राइस 50 पैसा पे आ गया है और उम्मीद है कि 50 पैसा से ऊपर निकलेगा। तो इजिली आपको शॉर्ट टर्म में 50 से 60 पैसा तक तो आ ही जाएगा। तो यदि हाल फिलहाल के दिनों में कोई पैसा लगाए होंगे निकलना चाहेंगे तो इससे बाहर निकलने के बाद आप निकल सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म का आप निवेश सकते हैं, उसमें बने रहे। स्टॉक का प्राइस थी आपको बहुत जल्द फिर से 1 रुपये तक जाते हुए दिखेगा इस रेंज से बाहर निकलेगा तो, और 1 रुपये के ऊपर जा आप निकलेगा तो फिर जाते ही जाते जाएगा, रुकने वाले स्टॉक नहीं है, क्योंकि जो कंपनी के काम है जो फंडामेंटल है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बताई आपको समझ में आ रही होगी। मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट में जरूर पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।